नमस्कार, मैं साली धारवे। मेरे साथ आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की 25 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बिना नाम लिए बीजेपी और सीएम शिंदे पर उद्धव ठाकरे का तंज। बोले बालासाहेब ठाकरे ने जिन लोगों की जान बचाई आज वही हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के 3 नेताओं पर चलेगी गोली, 50 लाख में दी गई जान से मारने की सुपारी। एकनाथ शिंदे और भाजपा हिंदुत्व में विभाजन पैदा कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे का बयान। गुरुजी बनकर ऋषि पंडित करता था ठगी, एनसीपी शरद पवार गुट से है कनेक्शन। ईडी की रडार पर शरद पवार के विधायक पोते रोहित समन भेजकर किया तलब। 22 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाए, 24 को नहीं। ईडी के नोटिस पर एमएलए रोहित पवार का जवाब, हमने राम मंदिर का विरोध कभी भी नहीं किया है। शरद पवार ने बताया वो भी जल्द ही जाएंगे अयोध्या। आखिरी सांस तक लड़ेंगे, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज झारंगे पाटिल का विरोध मोर्चा, शिंदे सरकार पर उठाए सवाल। थाने कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 500 रुपए का जुर्माना, आरएसएस कार्यकर्ता ने दर्ज की थी शिकायत। किसी के दल के नहीं पूरे देश के है भगवान राम, शरद पवार बोले केंद्र में बीजेपी की हार तक न करे आराम। नेहरू को लेकर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्वाड का बड़ा बयान, बोले आज जो विकास हो रहा है उनकी नींव है। बीजेपी की हार नजदीक, इसलिए पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं महाराष्ट्र का दौरा, कांग्रेस चीफ नाना पटोले का निशाना। महाराष्ट्र में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मांस मच्छी और शराब पर रहेगा बैन, सरकार ने दिए आदेश। मुंबई फेस्टिवल में दिखेगी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम, शनिवार से होगी शुरुआत। देश में चारों ओर राम मंदिर की धूम, नागपुर में स्कूली छात्रों ने किया राम भजन पर डांस। मुंबई में बन रहा 80 फीट का राम मंदिर का मॉडल, 22 से 28 जनवरी तक होंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र को 90,000 घरों का तोहफा, सियावर रामचंद्र की जय के नारे, सोलापुर में पीएम नरेंद्र मोदी का दिखा अलग अंदाज। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वीएचपी बनाएगी दिवाली, हर मंदिर में ध्वज, हर राम भक्त के गले में होगा दुपट्टा। मुंबई में सायन ब्रिज बंद, 2 सालों तक डाइवर्ट रहेंगी बीएसटी की 204 बसें। आरे में अंडरग्राउंड कार शेड 95% रेडी, मुंबई में पहली अंडरग्राउंड मेट्रो जल्द ही दौड़ेगी। डोंबिवली में फटी पाइपलाइन, कई फीट ऊंचा उठता फवारा देख सब हैरान। बच्चे को बचाने के लिए मेट्रो ट्रैक पर कूदी मां, 30 फीट दूर तक रुकी ट्रेन। शरीर में छुपा कर ले जा रहा था 6 करोड़ की कोकीन, DRI ने वेनेजुएला की नागरिक को किया गिरफ्तार। मालाड में 22 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। बीड जिले के लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले पुलिस कांस्टेबल बने पिता, पत्नी ने बेटे को दिया जन्म। अभी के लिए बस इतना ही, इसी तरह के ताजा तरीन अपडेट्स को देखने के लिए बने रहे एंटी करप्शन न्यूज के साथ।